सरकारी व निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ देवभूमि भैरव सेना संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर महामंत्री संजय मेहरा के संयोजन में चंद्राचार्य चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संजय मेहरा ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावकों को भारी आर्थिक व मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। एडमिशन फीस, डोनेशन, निर्धारित दुकान से ही किताबें खरीदने, भवन फीस आदि के नाम पर निजी स्कूल अभिभावकों का जमकर शोषण कर रहे हैं। शिकायत किए जाने के बाद भी शिक्षा विभाग कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है, जिससे निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। वहीं देवभूमि भैरव सेना संगठन के जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह पाहवा ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है। रसोई गैस सिलेंडर सहित तमाम खाद्य पदार्थों के दाम दोगुने से भी अधिक हो गए हैं। बिजली पानी की दरें भी सरकार ने बढ़ा दी हैं, जिससे गरीब व मध्यम वर्ग के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। उस पर निजी स्कूलों की मनमानी के चलते गरीबों के सामने बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी पर भी रोक लगाए, साथ ही मनमानी करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए। संगठन जब सड़क पर काम करते हैं तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं भाजपा को जाता है। भाजपा की सरकार में ही हितों का शोषण हो रहा है। महंगाई जब से ये सरकार आई है, और हमारा संगठन की मांग है, हम धर्म के साथ साथ समाज हित में भी हम कार्य करते हैं। अब जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, गरीब आदमियों का जीना दुर्बार हो गया। और दूसरा जो रही सही कसर थी, इन्होंने बिजली के बिल भी, बिजली के भी बढ़ा दिया, हाउस टैक्स भी बढ़ा दिए, सारे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। हर एक बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ, 1,66,000 रुपये का उसके ऊपर कर्जा है। तो गरीब जो परिवार जो 10,000 में कमाता है, वो अपने स्कूल के अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, क्योंकि वहाँ 20,000 रुपये ट्यूशन मांगते हैं, 2,000 रुपये फीस, 5,000 रुपये का कोर्स जो 500 रुपये में आया करता था, आज वो 5,000 का आ रहा है। 70 साल में हमने आज तक ऐसा नहीं देखा, जो 9 सालों में देखा, जो गरीब 30% लोग जो किराए के मकान में रह रहे हैं, जिनकी इनकम कम से कम 10,000 रुपये है, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या और खिलाएगा क्या। और मोदी जी कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटी को पढ़ाएं और कहाँ से बेटी को ना पढ़ाएं। हमारी सरकार से विनती है कि कम से कम गरीब लोगों को, जब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को मैं राशन दे रहा हूँ गरीब लोगों को, तो मोदी जी की नज़र में 80 करोड़ तो गरीब जनता है, तो फिर ये गरीबों के साथ उनके बच्चों के पेट पे लात मारी जा रही है। गरीब आदमी खाएगा क्या, उनको आत्महत्या करेगा, वो अपने बच्चों को और सुविधाएं भी नहीं दिलवा पाता, बच्चों की जो मन होती है संभाल लेने के कैसे दिलवाए, क्योंकि वो स्कूलों में चला जाता है सर, किराए में चला जाता है सर, तो कई लोग इस गरीबी के कारण जो आत्महत्या कर लेते हैं। तो मेरी सरकार से विनती है, इस उत्तराखंड के अंदर कम से कम जो गरीब परिवार है उनको ये स्कूल जो है इन पर नकेल कसी जाए, इन पर मुकदमे लगाए जाए। जो ये कहते हैं कि फला दुकान से ही किताब लेनी है, फला दुकान से ही ड्रेस लेनी है, जब 1 साल का 3 साल का बच्चा जब पढ़ता है उसकी एक ही ड्रेस होती है, फिर वो दूसरी क्लास में जाता है कह रहे जी इसकी ड्रेस चेंज करो, तो ड्रेस तो उसकी वही रहेगी ना, ये ड्रेस क्यों चेंज होगी। जो 500 में जो है वो आया करता था कोर्स, वो आज 5,000 में आ रहा है। तो हमारी देवभूमि भैरव सेना संगठन की सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरीके के कोई कार्य ना। कुछ प्राइवेट स्कूल फर्जी भी चल रहे हैं जो नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, उनके बारे में क्या? नहीं, प्राइवेट स्कूल तो मैं कह रहा हूँ कि 30-40% फर्जी चल रहे हैं, मिली भगत से चल रहे हैं, जिनकी ना मान्यता प्राप्त है ना कुछ है उनका, लेकिन वो अधिकारियों की या सरकार की या नेताओं की, आधे स्कूल तो नेताओं के हैं हमारे, जो प्राइवेट स्कूल है आधे तो हमारे नेताओं के हैं, इनकी सरपरस्ती में ये सब चल रहा है इनकी, लेकिन सरकार को देखना चाहिए ना कि गरीब बच्चे कहाँ जाए।